आज के ज़माने में महिला खूबसूरत और जीरो फिगर के अलावा बॉडी बिल्डर के भी शौक रखते हैं, जिनको देखकर अच्छे अच्छे पुरुष बॉडी बिल्डर की हालत भी ख़राब हो जाएगा। हमारे इस लिस्ट के महिला बॉडी बिल्डर के मामले में कई बेहतरीन पुरुष बॉडी बिल्डर को टक्कर तो दे गई, उसके साथ वो सारे खूबसूरत के मामले में भी पीछे नहीं है भाई, है ना सोने पर सुहागा। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल फिजिक्यूज एथलीट्स सोहिता राठौर भारत की पहला महिला बना जिन्होंने बॉडी बिल्डर के मामले में पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक जीता। वो सिर्फ खेलों की दुनिया में अच्छे हैं ऐसा नहीं है, उन्होंने बायोकेमिकल इंजीनियरिंग स्टडी की। वो मोटे ना होने के बावजूद उन्हें लोग फैट गर्ल नाम से पुकारते थे, जिससे तंग आकर सोहिता 8वीं क्लास से फिटनेस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिए थे और भाइयों की सलाह पर फिटनेस के दुनिया में उन्होंने कदम बढ़ाया। आज वो खूबसूरती के साथ स्पोर्ट की दुनिया में इतने सारे चैंपियनशिप जीत चुके हैं कि अगर हम आपको ये सारे गिनाते रहे तो पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगा। हम बचपन में ना जाने कितने समय टीवी के सामने WWE देखकर गुजारे थे। यही WWE से रिश्ते हैं लिसा मारिया वेरोन का। रेसलर्स की खानदान में पली बड़ी लिसा हाई स्कूल से ही खेलों की दुनिया में पा पसरना शुरू कर दिए थे। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के साथ अपने चेहरे के ऊपर भी काफ़ी ध्यान रखा और 2019 में 48 साल की उम्र में उन्होंने रेसलिंग की दुनिया से खुद को अलविदा कह दिया। आज वो ट्रेनर के रूप में रेसलर के साथ अपने अनुभव और नॉलेज को शेयर करते हैं। इंडिया डर्वेसन 5 वर्ष की उम्र से ही खेलों के प्रति काफ़ी झुकाव था, इसलिए उन्होंने कम उम्र से ही मार्शल आर्ट्स, टेनिस और माउंटेन बाइकिंग शुरू कर दिए थे। लेकिन लिंडा प्यार में पागल होकर बॉयफ्रेंड के साथ फ्रांस से अमेरिका शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही बॉयफ्रेंड से अलग होने के कारण उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। बाद में फ्रांस आकर उन्होंने फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के कारण आज वो एक सुंदर बॉडी बिल्डर के साथ एक खूबसूरत मॉडल भी है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर आज 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। सुंदर महिला देखकर कोई छेड़ने की कोशिश करे तो ऐसे इंसान की पतलून गीली कर सकते हैं डाना लेन बैली। ग्रेजुएशन करने के समय वो लिफ्टिंग करना शुरू कर दिए थे, इसमें उनके बॉयफ्रेंड रॉब बैली उन्हें बहुत मदद करी क्योंकि वो भी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। डाना 2013 की बॉडी बिल्डर ओलंपिया की विजेता है। ये अपने सुना है कि कोई अपने बॉम के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, नहीं ना तो सुन लीजिए, बखर नबीबा मिस आयरन बॉम नाम से बॉडी बिल्डर की दुनिया में प्रसिद्ध है। पहले से वो ऐसा नहीं था, स्कूल के समय में दुगले पतले शरीर और पैरों के लिए दोस्तों के बीच एक मजाक बनकर रह गए थे। अजरबैजान में जन्मे नबीबा आज एक प्रोफेशनल मॉडल और फिटनेस ट्रेनर है जो मिस स्टील बूट नाम से भी फॉलोअर के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध है। पैशन और डिसिप्लिन किसी की ज़िंदगी में क्या प्रभाव फैलता है ये देखना है तो ईवा अंद्रेसा को देखिए। पहले उनके चेहरे के गठन से वो बहुत नाखुश थे, बाद में वो जिम ज्वाइन करा और खुद को ऐसा ट्रेंड करा कि आज वो ब्राज़ील के सबसे बेहतरीन खूबसूरत मॉडल के साथ ही बॉडी बिल्डर बन गए। कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर आपके पाने की जुनून है तो कोई परेशानी आपको रोक नहीं सकती। ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ ईवा के साथ। वो फिटनेस की दुनिया में अच्छे थे लेकिन उनको आर्थिक कंगाली से गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा, इसलिए वो आज एक सफल फिटनेस मॉडल है। यन ओजी एक साउथ कोरियन फेमस बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन पहले से वो ऐसा नहीं था। 14 साल की उम्र तक अपने दुबलापन से वो काफ़ी चिंतित थी, फिर उन्होंने खुद को बदलने की ठानी और मौजूद 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद शानदार बॉडी बनाया। 2010 में उन्होंने पहला कोरियन टाइटल जीता और फिर 2013 में वो वर्ल्ड क्लासिक यूरोप एमाटूर टाइटल जीता और 2015 में वो IFBB प्रो फीमेल बॉडी बिल्डर बन गए। इससे ऐसे करते करते पिछले 12 सालों में उन्होंने बॉडी बिल्डर की कई बड़े बड़े टाइटल अपने नाम कर चुकी है। इंस्टाग्राम पर UN के करीब 1.5 लाख फॉलोअर हैं। साना
ग्रिसिना एक रशियन फीमेल जिम्नास्टिक और प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर है। पिता की जॉब के कारण उन्हें बार बार स्कूल बदलना पड़ा और फिटनेस की दिख में ध्यान देने में भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इस सब से ऊपर उठते हुए वो 4 बार मिस फिटनेस ओलंपिया अपने नाम कर चुके हैं। 5'3" के ओसाना ने यूरोप और विश्व के सब तरह की टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। 2017 में वो सब तरह की फिटनेस कंपटीशन से अवसर ले चुके हैं और आज एक फिटनेस ट्रेनर और मॉडल हैं। जो सब महिला पतले शरीर के कारण अपने को दुर्बल समझते हैं उन्हें एनलीला सरग्रा से कुछ बात सीखना चाहिए। वो पहले एक दुगले पतले मॉडल थे और एक दिन एक फिटनेस ट्रेनर से मिला जिन्होंने उसके ज़िंदगी बदल दी। डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ 1 साल की कड़ी मेहनत उसे तब रंग लाया जब एक फिटनेस कंपटीशन में वो 3रे स्थान पर आ गए। उनके खूबसूरत चेहरे और शरीर के सुंदर गठन के कारण 6 मास के अंदर ही इंस्टाग्राम में 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। उनके आज इंस्टाग्राम अकाउंट में 1.5 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। 15 साल की उम्र में जूलिया विंस जिम जाना शुरू कर दिए थे। कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने और खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए वो पहले जिम ज्वाइन किया था। बाद में जूलिया पावर लिफ्टिंग का रास्ता चुना। वो प्रति सप्ताह 5 बार जिम में ट्रेनिंग करते हैं। वो अपने खासियत से एक कसरत के भीतर कोई मांसपेशियों को हीट करने में सक्षम है। रशिया में फेमस पावर लिफ्टर जूलिया आज एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो अपनी यूनिक लुक्स के कारण फैंस में काफ़ी चर्चित हैं।